देखो ये आपके वर्ग वाला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि यहाँ क्यों एक्स दिए तो है तो आपका एक्स ही है, लेकिन ये क्या है आपके सेंटर साइज, मतलब सेंटर साइज की होती है हमेशा ग्रुप की होती है, वर्ग की होती है। तो सेंटर साइज है, हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर ये केवल एक्स ही होती, केवल अगर क्या होती एक्स होती तो फिर सिंपल विधि होती है आपके कौन सी खंडित श्रेणी से, लेकिन यह खंडित श्रेणी का सवाल है क्योंकि यहाँ पर सेंटर साइज है या मिड वैल्यू दे रखा है, समझ लो ये मिड वैल्यू सेंटर साइज है। हमें क्या करना है, ग्रुप याद करना है, बताओ अंतर कितने का है, यहाँ जो भी अंतर है इन दोनों में अंतर कितना है आपके 10 का, 10 का आधा करेंगे क्या आएगा माइनस 10 का आधा करेंगे कितना आएगा 5 आएंगे। अब इस साइड को घटा कर लिखेंगे और इस साइड जोड़ करके लिखेंगे, जो अंतर है अंतर कितना 10 का, 10 का आधा क्या कितना आया 5, आधा 5 इधर तो घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे, जैसे 5 दे देंगे 5 में 5 घटाएंगे 0, जोड़ो तो 10, घटाओ तो ये वाला है, घटाओ तो कितना होता है 10, जोड़ो कितना होता है 20, घटाओ तो 20 और जोड़ो तो 30, घटाओ तो 30 और जोड़ो तो कितना होते हैं 40, 5 घटाओ 40, 5 जोड़ो कितना होते हैं 50, इसमें जोड़ना है 55 माइनस 5 50 और 55 प्लस 5 60, ऐसे ये सेंटर वाली या बीच की ये संख्या दे रखी है आपने, जो भी अंतर है उसका आधा करो, इसे 35 में से 5 गए 30 और 35 में ही 5 जोड़ना है तो इधर आएगा 40, ये सेंटर में है, मतलब 5 इधर कम करने और 5 इधर जोड़ने, आया ग्रुप आगे समझ में। बस अब आते ही पहले वाला सवाल हो गया वापस आप, आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे CF, क्यों करेंगे CF, क्यों हमें ज्ञात है संख्या ज्ञात नहीं, 5 का 5 5 और 10 15 15 और 15 30 30 और 0 30 30 और 12 42 और 8 50, ये भी तो हो गए आपके 50। सबसे पहले ज्ञात करना है जेड, ये चार चीजें हमें ज्ञात करनी सवाल के अंदर दे रखा है, तो उधर क्या ज्ञात करने का, L1 प्लस डेल्टा 1 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू I, डेल्टा 1 का मतलब क्या होता है F1 माइनस F0, F1 कहाँ से आएगी, सबसे अधिक बारंबार सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये वाली, तो क्या करेंगे 15 में से ये ऊपर वाला अंतर डेल्टा 1 मतलब ये अंतर 15 माइनस 10 कितना आएंगे 5, और डेल्टा 2 F2 माइनस F0 मतलब ये F1 है और ये F0, क्या समझ लो नीचे वाला अंतर ये वाला 15 माइनस 0 कितना आएगा 15। अब Z ज्ञात करो, L1 जो बारंबार ताई है इसका ये हो गया आपके ग्रुप 20 से 30, तो छोटी वाली ये हो गया कहलाएगी आपके L1, डेल्टा 1 डेल्टा 2 5 बटा 5 प्लस 15 इंटू अंतर कितना है 10 का अंतर है। अब ये तो हो गया 20 और ये कितना हो गया 50, कैलकुलेट कर लो कितना आते देखो, ये तो हो गए 5 इंटू 10 50 घातक 20 प्लस 20 ये हो गए आपके 22.5, ये हो गए आपके 22.5। आगे बोलने अब है मध्य का, सर सर छोटा सूत्र क्या, छोटा सूत्र क्या n बटा 2 मतलब 50 बटा 2 मतलब 25वां पद, ये कहाँ देखेंगे CF में, ये आता है इन दोनों के बीच में, तो ग्रुप होगा आपके ये वाला ग्रुप ही होगा, तो आपके ग्रुप कौन सा होगा 20 से 30, जो भी उत्तर है वो 20 और 30 के बीच में दे रखा है। तो देखो मध्य का सूत्र क्या है याद करने का, L1 प्लस I बटा सी एफ एम माइनस सी, एल वन ये वाली, I मतलब अंतर कितना है आपके 10 का अंतर, और फिर है आपके F फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपके 15, फिर है M माइनस सी छोटा M माइनस सी, M कितना ये ऊपर दे रखा है आपके 25 माइनस सी एफ
जो हम ग्रुप ले हैं उनके जो सीएफ आ रही है जस्ट ऊपर वाली सीएफ ये वाली कितनी हो जाएगी आपके 15, ये हो जाएगी आपके कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 इंटू 10 भाजक 15 प्लस 20 ये हो जाएगा 26.67। इन दोनों घटाओ, 10 से गुणा करो, फिर 15 का भाग दो, जो उत्तर आए फिर उसमें लास्ट में क्या जोड़ना है आपको 20 जोड़ना है। फिर क्या पूछा है Q3, तो पहले Q3 ज्ञात है, छोटा वाला सूत्र क्या है 3n/4, ये चतुर्थक है, क्वार्टल है, ये चतुर्थक है क्वार्टल, तो क्या देंगे हम 4 का भाग देंगे, और कौन सा चतुर्थक है ये तीसरा, तो गुणा किससे करेंगे इसको 3 से, तो आ जाएगा आपके 3 × 50/4, ये हो गए 150/4, ये हो गया आपके 37.5वां पद, ये आता है आपके 30 और 42 के बीच में, यहाँ आता है, यहाँ देखना है सीएफ में देखना है ये बात, ये हो गया आपके ग्रुप, तो Q3 का जो ग्रुप है वो कितना हो गया आपके 40 से 50 के बीच में कई उत्तर है। अब वो कौन सा उत्तर है सूत्र लगाएंगे इसके लिए, क्या लगाएंगे, यही जो इसमें लगाएंगे L1+I/F Q3-C, L1 दे रखी है आपके 40, अंतर 10 का अंतर लगातार है आपके 10 का अंतर, फिर F किसी की F नहीं है, ये रही है, ये हो गई आपके 12। अब Q3 छोटा वाला Q3 कितना है 37.5 माइनस CF, जो ग्रुप हमने ले रखा है उस ग्रुप के जस्ट ऊपर वाली कितनी है 30, ये हो जाएगा आपके 40, कितना पहले करो 37.5 - 30 × 12 × 10 भाजक 12 प्लस 40, ये हो गया आपके 46.25, ये हो गया दूसरा पॉइंट भी याद हो गया। अब यह तीसरा क्या है आपके D7, पहले छोटा D7 ज्ञात करेंगे, सातवां दसमा तो क्या होगा 7 दसमा गई 7n/ कितना करेंगे हम 10, देखो दसमा कह रहे 10 का भाग लेंगे और 7 नंबर है तो 7 से गुणा करेंगे 7 × 50/10, ये कैंसिल कितना आया 35वां पद यही आता है, यही ग्रुप होगा जो उसका ग्रुप है, बताओ D7 कहाँ छिपा हुआ है 40 से 50 के बीच में, याद करो D7 का सूत्र क्या होगा, जो सूत्र इसका क्या नाम है L1+I/F D7-C, L1 कितना 40, अंतर कितना 10 का, फ्रीक्वेंस बारंबार कितना, ये वही बारंबार जो इसमें बारंबार आई वही 12, D7 कितना है 35 माइनस CF जस्ट ऊपर वाली जो इसमें आई थी 30, फर्क इसमें यही है 37.5 था और यह 35 है, तो 35 में से 30 गए 5, 5 × 10 भाजक 12 प्लस कर देंगे हम 40, तो ये हो जाएंगे आपके 44.17।